एक जंगल में सूखे का मौसम आया हुआ था। काफी समय से उस जंगल में बारिशें नहीं हुई थी, जिसके कारण उस जंगल में भोजन की भी बहुत ज्यादा कमी हो गई थी। कल ही बादल का संदेश पक्षियों के पास आया था कि कुछ ही दिनों में जंगल में बारिशें होने वाली है। नीलो चिड़िया, शुक्र है बादल भैया का संदेश आ गया है कि कुछ ही दिनों में हमारे जंगल में बारिशें होने वाली है। इन बारिशों के बाद ये हमारे जंगल में जो भोजन की कमी है वे भी खत्म हो जाएगी और हमारे जंगल में पानी की जो समस्या है वो भी दूर हो जाएगी। फिर हमारे इस जंगल में कोई समस्या नहीं रहेगी। और हाँ नीलो चिड़िया, इस बार तो हम सब के पास अपने अपने लकड़ियों के बने पक्के पक्के घर भी हैं। बारिशों के दिन हम इस बार अपने लकड़ी वाले घरों में आराम से गुजार लेंगे। मतलब ये कि इस बार के बारिशों में हमारे पास कोई समस्या नहीं होगी, हम आराम से बारिशों के दिन गुजार सकेंगे। पक्षियों, बारिशों के दिन तो आने वाले हैं, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि बारिश होने से पहले पहले हम जमीन में चावल का बीज बो देते हैं, ताकि बारिश के पानी से हमारे चावल की फसल जल्दी से बढ़ जाए और बारिशों के बाद हमारे पास भोजन की कोई कमी ना हो और हम बस बैठ कर भोजन खाए। हाँ हाँ नीलो चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो। अगर हम अभी चावल की फसल बो देंगे तो बारिश की पानी से हमारे चावल की फसल जल्दी जल्दी उग जाएगी और हमें भोजन की कोई कमी नहीं होगी। पक्षियों, तुम सबके पास थोड़े थोड़े चावल तो होंगे ना? तुम सब पक्षी अपने अपने चावल मुझे दे दो, ताकि मैं वे सब चावल को ले जाकर किसी अच्छी जगह जमीन में बो दूं। नीलो चिड़िया, तुम पहले कालू कौवे से पूछ लो। मुझे तो नहीं लगता कि कालू कौवे के पास चावल होंगे, क्योंकि कालू कौवा बहुत ही ज्यादा आलसी है। अरे भाई कबूतर, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरे पास चावल नहीं होंगे? अरे अरे नीलो चिड़िया, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करके कुछ चावल जमा कर लिए हैं। मैं वे चावल तुम्हें दे दूंगा। तो फिर दे रहा, सब पक्षी अपने अपने चावल लाकर मुझे दे देंगे। फिर सभी पक्षी चावल लेने के लिए अपने अपने घरों की तरफ चल पड़ते हैं। तुमने नीलू चिड़िया को ऐसा क्यों कहा कि हमारे पास चावल है? हमारे पास तो इस पोटली में बस थोड़े से ही चावल है जो तुम्हारे मामा जी ने दिए थे। अब अगर हम ये चावल नीलू चिड़िया को दे देंगे तो हमारे पास खाने को क्या बचेगा? तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे पास एक बहुत ही शातिर योजना है जिससे हमारे पास भोजन ही भोजन होगा। मुझे भी बताओ ना, आखिर तुमने ऐसी क्या योजना बनाई है जिससे हमारे पास भोजन ही भोजन होगा? देखो, अभी हम जाकर अपने चावल नीलो चिड़िया को दे देंगे और बाकी सभी पक्षी भी अपने चावल नीलो चिड़िया को दे देंगे। फिर रात को हम नीलो चिड़िया के घर में जाकर वे सारे चावल चुरा कर यहाँ पर ले आएंगे। इस तरह से किसी पक्षी को भी पता नहीं चलेगा कि नीलो चिड़िया के घर से वे सारे चावल किसने चोरी किए हैं, क्योंकि सभी पक्षियों को तो पता है ना कि हमारे पास अपने खाने के लिए चावल है। अगर हम पकड़े गए ना तो बहुत ही धुलाई होने वाली है हमारी, वे पक्षी हमें नहीं छोड़ेंगे। देखो, हमें इस काम में थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन तुम चिंता ना करो, हम इस बार नहीं पकड़े जाएंगे। और फिर कालू कौवा और रानी कौवी अपने चावल की पोटली लेकर नीलो चिड़िया की तरफ रवाना हो जाते हैं। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने चावल की पोटलियां लाकर नीलो चिड़िया को दे देते हैं और वे नीलो चिड़िया से कहते हैं, नीलो चिड़िया, हमने ये चावल बहुत ही मेहनत से जमा किए हैं, अब से इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। हाँ नीलो चिड़िया, अब हमने ये चावल तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी पर दिए हैं। अब अगर हमारे चावल को कुछ भी हुआ तो इनकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी और तुम ही हमारे चावल को दोबारा लौटाओगी। पक्षियों, तुम सभी बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम सबके चावल की जिम्मेदारी अब मेरी है। फिर सभी पक्षी अपने अपने चावल की पोटलियां देकर अपने अपने घरों की ओर चले जाते हैं।
रात होने वाली है। कल सुबह मैं ये चावल की सारी पटलियाँ लेकर किसी अच्छी जगह पर बो दूंगी। फिर रात हो जाती है। देखो अब नीलो चिड़िया सो रही है। चलो मैं जल्दी से नीलो चिड़िया के घर में जाता हूँ और वहाँ से सारी पोटलियाँ चोरी करके ले आता हूँ। फिर कालू कौवा नीलो चिड़िया के घर में आता है और चावल की एक एक पोटली उठाकर अपनी टोकरी में डाल देता है। कालू कौवा और रानी कौवी वहाँ से चावल की सारी पोटलियाँ चोरी करके अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। रानी अब तो हमारे पास कितने सारे चावल हो गए हैं। अब तो हमारे पास भोजन की कोई कमी नहीं होगी। बारिशों के दिन हमारे आराम से गुजरेंगे। अगली सुबह जब नीलो चिड़िया उठती है तो वे देखती है कि उसके घर से चावल की सारी पोटलियाँ तो चोरी हो चुकी होती है। ये देखकर नीलो चिड़िया बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाती है। बाप रे, चावल की सारी पोटलियाँ कहाँ चली गई? मैंने तो रात को यहीं पर रखी थी। लगता है रात में वे सारी पोटलियाँ किसी ने चोरी कर ली है। अब मैं पक्षियों को क्या जवाब दूंगी? सारे पक्षियों ने मुझ पर भरोसा करके वे सारे चावल मुझे दिए थे। फिर नीलो चिड़िया जंगल के पक्षियों को ये बात बताने के लिए चली जाती है। नीलो चिड़िया, तुमने हम सबको यहाँ पर क्यों बुलाया है? क्या चावल को बोने में तुम्हें हमारी कोई मदद चाहिए? पक्षियों, चावल तो मैं जब बोऊंगी ना, जब मेरे पास चावल होंगे। मेरे पास तो चावल है ही नहीं। नीलो चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? अगर तुम्हारे पास चावल नहीं है तो चावल आखिर गए कहाँ? पक्षियों, वो सारे चावल रात को चोरी हो गए हैं। ना जाने किस चोर ने वे सारे चावल मुझसे चोरी कर लिए हैं। ये तुम क्या कह रही हो? वे चावल के दाने मैंने कितनी मेहनत से चोरी किए थे, मेरा मतलब जमा किए थे, और तुम कह रही हो कि वे चावल के दाने चोरी हो गई है। पक्षियों, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये नीलो चिड़िया हम सब पक्षियों के चावल अकेले खाना चाहती है, इसीलिए वे ऐसे कह रही है। अरे नहीं रानी कभी, नीलो चिड़िया हमारे साथ इतने अरसे से रह रही है। नीलो चिड़िया ऐसी नहीं है। जरूर किसी पक्षी ने नीलो चिड़िया के घर से वे सारे चावल चोरी किए होंगे। जो भी है, लेकिन हमें तो हमारे चावल वापस चाहिए। नीलो चिड़िया, तुम किसी भी तरह करके हमें हमारे चावल वापस लौटाओ। ये कहकर वे कालू कौवा और रानी कौवी वहाँ से चले जाते हैं। नीलो चिड़िया, तुम बिल्कुल भी चिंता ना करना, हम सारे पक्षी तुम्हारे साथ हैं। पर पक्षियों, मैं तुम सब के चावल के दाने तुम लोगों को वापस कैसे लुटाऊंगी? सब पक्षी ऐसे बातें कर रहे होते हैं कि आसमान पर काले बादल छा जाते हैं और बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। सभी पक्षी अब अपने अपने घरों में आ चुके होते हैं। ये चावल खाने में कितना मजा आ रहा है। देखो हमारे पास अभी भी खाने के लिए कितने सारे चावल हैं। अच्छा चलो, मुझे बहुत जोरों से प्यास लग रही है, मैं जाकर नदी से पानी पीकर आता हूँ। फिर कालू कौवा नदी से पानी पीने के लिए चला जाता है। कालू कौवा पानी पीने के लिए नदी के पास आता है और नदी से पानी पीने लगता है। सामने एक पक्षी बैठा होता है। वे कालू कौवे को ऐसे बारिश में भीगता हुआ देखता है तो वो फौरन से कालू कौवे के पास आ जाता है। कालू कौवे, तुम ऐसे बारिश में क्यों भीग रहे हो? तुम बीमार पड़ जाओगे। आओ मेरे छाते के नीचे आ जाओ। फिर कालू कौवा फौरन से उस पक्षी के पास आ जाता है। पक्षी जी, मैं तो यहाँ नदी से पानी पीने के लिए आया था, लेकिन तुम्हें मेरी कितनी चिंता है। तुमने मुझे फौरन से अपने छाते के नीचे बिठा लिया ताकि मैं बीमार ना पड़ जाऊँ। कालू कौवे, तुम हमारे जंगल के पक्षी हो, अगर हम सब पक्षी एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? लेकिन आज मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैंने नीलो चिड़िया को अपने सारे चावल दे दिए थे, लेकिन अब उस नीलो चिड़िया से सारे चावल चोरी हो गए हैं। अब वे बेचारी चिड़िया करे भी तो क्या करे? मेरे पास खाने के लिए एक चावल का दाना भी नहीं है। मेरे घर में मेरे बीवी बच्चे भूखे बैठे हैं।
मैं आखिर उनको क्या खिलाऊं, इसीलिए मैं भोजन ढूंढने के लिए यहाँ पर आया हूँ। उस पक्षी की ये दुख भरी बातें सुनकर कालू कौवे को उस पर बहुत ही दया आती है, क्योंकि ये सब कुछ उस कालू कौवे की वजह से हो रहा था। पक्षी जी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कहकर वे कालू कौवा अपने घर की तरफ चला जाता है। रानी कौवी, हमने इन पक्षियों के साथ बहुत गलत किया है। ये पक्षी तो हमारी कितनी चिंता करते हैं। ये हम कहीं बारिश में भीग ना जाए, ये हम कहीं इस बारिश से बीमार ना पड़ जाए, इसीलिए वे हमें अपने छाते के नीचे बिठा लेते हैं। लेकिन हमने इन पक्षियों के साथ बहुत गलत किया है। फिर कालू कौवा रानी कौवी को सारी बात बता देता है। बहुत हो गया, हमने इन पक्षियों के साथ बहुत गलत कर लिया है। मैं ये चावल के सारे दाने लेकर नीलो चिड़िया को लौटा देता हूँ और उससे माफ़ी भी मांग लेता हूँ। फिर कालू कौवा और रानी कौवी उस चावल की सारी पोटलियाँ लेकर नीलो चिड़िया के घर की तरफ चल पड़ते हैं। नीलो चिड़िया, हम बहुत ही शर्मिंदा है, हमने तुम सब पक्षियों के साथ बहुत ही गलत किया है। हमने ही ये सारी चावल की पोटलियाँ चोरी कर ली थी। लेकिन नीलो चिड़िया, अब हमें इसकी सीख मिल चुकी है और हम दोनों दोबारा ऐसे कभी नहीं करेंगे। कालू कौवे और रानी कौवी, तुम दोनों ने बहुत गलत किया है, लेकिन तुम दोनों को अपनी गलती पर पछतावा है, इसलिए मैं तुम दोनों को माफ कर देती हूँ। फिर नीलो चिड़िया उन सभी पक्षियों को बुला लेती है और सबको अपनी अपनी चावल की पोटली लौटा देती है। किसी जंगल में अनेक प्रकार के पक्षी रहा करते थे। वो पक्षी बहुत ही ईमानदार और मेहनती थे। उसी जंगल में एक नीलो चिड़िया रहती थी। नीलो चिड़िया बहुत ही बुद्धिमान थी और वो दूसरे पक्षियों की मदद किया करती थी। नीलो चिड़िया बहुत ही ज़्यादा मेहनती थी। उसी जंगल में एक कालू कौवा अपने परिवार के साथ रहता था। कालू कौवा बहुत ही कामचोर था और वो बहुत ही ज़्यादा आलसी था। वो सारा दिन अपने ही घोंसले में बैठा रहता था। एक दिन मिट्ठू तोता नीलो चिड़िया के पास आता है और उससे कहता है, अरे मीनू चिड़िया, मैं अभी अभी बादलों के पास से होकर आया हूँ। बादल भैया ने मुझसे कहा है कि इस बार आपके जंगल में बहुत ही तेज़ बारिश होने वाली है। अरे मीनू चिड़िया, मैं चाहता हूँ कि तुम तमाम पक्षियों को इकट्ठा करो और उनसे कहो कि अपने घरों को पक्का कर लें, ये ना हो कि वो इस बारिश में सारा दिन भीगते रह जाएं। अभी तक तो किसी पक्षी ने अपना घर भी नहीं बनाया है। तुम उन पक्षियों को बता दो कि बारिश होने वाली है, सब अपने अपने घर बना लो ताकि बारिश के दिन आसानी से गुजर जाएं। तो फिर चलो मिट्ठू तोते, हम सब पक्षियों के पास जाते हैं और उन्हें बता देते हैं कि इस बार जंगल में तेज़ बारिश होने वाली है। सब पक्षी जल्दी से अपने अपने घर बना लें। फिर मिट्ठू तोता और नीलो चिड़िया सारे पक्षियों को जमा करने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर के बाद नीलो चिड़िया और मिट्ठू तोता जंगल के सारे पक्षियों को जमा कर लेते हैं। अरे मीनो चिड़िया, क्या हुआ है? तुमने हम सब पक्षियों को यहाँ पर क्यों बुलाया है? अरे सब पक्षियों, मेरी बात गौर से सुनो। अभी अभी मिट्ठू तोता बादलों के पास से होकर आया है। बादलों ने मिट्ठू तोते से कहा है कि इस बार हम आपके जंगल में बहुत ही तेज़ बारिश करने वाले हैं, इसलिए आप लोग तैयार हो जाएं। मैंने आपको ये बताने के लिए जमा किया है कि हमारे घर तो बहुत ही कच्चे हैं। आप सब ऐसा करें कि अपने लिए जल्दी जल्दी मजबूत घर बना लें ताकि ये बारिश का मौसम आसानी से गुजर जाए। अरे नीलो चिड़िया, तुम बहुत ठीक कहती हो, हमें अपने नए घर बना लेने चाहिए। अरे पक्षियों, तो फिर चलते हैं और लकड़ियां जमा करते हैं ताकि हम इन लकड़ियों से पक्के और मजबूत घर बना सकें। इस जंगल में कितनी बारिशें होती हैं और अब मुझे लकड़ियां जमा करनी पड़ेगी।
अगर मैंने लकड़ियाँ जमा ना की तो पिछले साल की तरह इस साल भी मेरे परिवार वालों को बारिश में भीगना पड़ेगा। अरे हाँ, मैं एक काम करता हूँ, जब सारे पंछी अपनी लकड़ियाँ ढूँढ लेंगे तो मैं जाकर रात के वक्त किसी भी पंछी की लकड़ियाँ चुरा कर ले आऊँगा और फिर उन लकड़ियों से मैं अपना एक मजबूत घर बना लूँगा। मेहनत करने से तो अच्छा है कि मैं किसी की लकड़ियाँ चुरा लूँ और अपने लिए एक मजबूत सा घर बनाऊँ। अरे पंछियों, मैं तुम्हारे साथ लकड़ियाँ ढूँढने बिल्कुल भी नहीं आने वाला। मेरे मामा जी का लकड़ियों का कारोबार है। मेरे मामा जी मुझे मुफ्त में लकड़ियाँ दे देंगे और उन लकड़ियों से मैं अपना एक घर बना लूँगा। मैं तुम्हारे साथ लकड़ियाँ ढूँढने नहीं चलने वाला। कैलू जी, जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारे तो कोई ऐसे मामा जी नहीं हैं जिनका लकड़ियों का अपना कारोबार हो। रानी कव्वी, तुम मेरे साथ घोंसले में चलो, मैं वहाँ पर जाकर तुम्हें सब कुछ बता दूँगा। कालू कव्वा और रानी कव्वी अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं और दूसरी तरफ दूसरे पक्षी लकड़ियाँ ढूँढने के लिए चले जाते हैं। कालू जी, अब तो हम अपने घोंसले में आ गए हैं, अब तो मुझे बताएं ना कि आपके ऐसे कौन से मामा जी हैं जिनका लकड़ियों का कारोबार है। अरे रानी, मेरे तो कोई ऐसे मामा जी नहीं हैं, वो तो पंखियों के सामने मैं तुम्हें ऐसा कह रहा था। अरे रानी, मेरे दिमाग में एक योजना आई है। जब सारे पंछी लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेंगे तो मैं रात के वक्त जाकर उनकी लकड़ियाँ चुरा कर ले आऊँगा और फिर उन लकड़ियों से मैं अपना घर बना लूँगा। कहलू जी, तुम हर बार चोरी करते हो और चोरी करते वक्त पकड़े भी जाते हो। अगर इस बार तुम पकड़े गए तो हमें इस बार बारिश में भीगना पड़ेगा। मैं तुम्हें मशवरा देती हूँ कि तुम खुद जाकर लकड़ियाँ लाओ ताकि हम अपना एक घर बना सकें। कालू कव्वा रानी कव्वी की बात नहीं मानता और दूसरे पक्षियों की लकड़ियाँ चोरी करने के बारे में सोचता रहता है। फिर शाम हो जाती है, सारे पक्षी अपने अपने घोंसले में लकड़ियाँ जमा करके ले आए होते हैं। अरे, मैं अपना घर बनाना शुरू कर देती हूँ, बारिश का कोई पता नहीं है कब बारिश शुरू हो जाए, इसीलिए मैं अभी से अपना घर बनाना शुरू कर देती हूँ। फिर नीलो चिड़िया जैसे ही अपना घर बनाना शुरू करती है तो वो देखती है कि उसकी सारी लकड़ियों को कीड़े लगे हुए हैं। अरे, मेरे इन लकड़ियों को तो कीड़े लगे हुए हैं, मैं इन लकड़ियों से अपना घर बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी। अगर मैंने इन लकड़ियों से अपना घर बनाया तो मेरा घर बहुत जल्दी गिर जाएगा। मैं सुबह होते ही इन लकड़ियों को फेंक आऊँगी और मैं फिर दोबारा नई लकड़ियाँ जमा करूँगी। अब ये लकड़ियाँ मेरे किसी काम की नहीं हैं, अब रात होने वाली है और मैं सो जाती हूँ। और फिर रात हो जाती है। अरे रानी, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं किस पक्षी की लकड़ियाँ जाकर चुरा लूँ। अरे कालू, मैं तो कहती हूँ कि तुम नीलो चिड़िया की लकड़ियाँ जाकर चुरा लो। नीलो चिड़िया बहुत ही ज़्यादा मेहनती है, वो अपने लिए दोबारा नई लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेगी। ठीक है रानी, अगर तुम कहती हो तो मैं नीलो चिड़िया की लकड़ियाँ चुरा कर ले आता हूँ। फिर कालू कव्वा नीलो चिड़िया की लकड़ियाँ चुराने के लिए वहाँ से चला जाता है। अरे वाह भाई, नीलो चिड़िया ने तो बहुत सारी लकड़ियाँ जमा की हुई हैं। मैं इन लकड़ियों को ले जाता हूँ और इन लकड़ियों से बहुत बड़ा घर बना लूँगा। इससे पहले कि नीलो चिड़िया की आँख खुल जाए, मैं जल्दी से इन लकड़ियों को अपने घर ले जाता हूँ। कालू कव्वे को इस बात का पता नहीं होता कि नीलो चिड़िया की लकड़ियों में कीड़े लगे हुए हैं। फिर कालू कव्वा
उन लकड़ियों को अपने घर ले जाता है। सुबह हो जाती है, नीलो चिड़िया भी उठ जाती है। अरे ये क्या हुआ, मेरी लकड़ियाँ कहाँ चली गईं? चलो कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि रात के वक्त कोई ज़ोर सी आंधी या हवा आई होगी जिसकी वजह से मेरी लकड़ियाँ उड़ गई होंगी। वैसे भी मुझे इन लकड़ियों को फेंकना ही तो था। अब मैं जाती हूँ और अपने लिए नई लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाती हूँ। चलो रानी, अब सुबह हो गई है, अब हम अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। फिर रानी कौवी और कालू कौवा उन लकड़ियों से अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। फिर अगली सुबह हो जाती है, कालू कौवे और रानी कौवी ने अपना घर बना लिया होता है और उस जंगल में दूसरे सभी पक्षियों ने भी अपने घर बना लिए होते हैं। नीलू चिड़िया ने भी अपना घर बना लिया होता है, लेकिन कालू कौवे का घर किसी भी वक्त गिर सकता था क्योंकि कालू कौवे ने वो कीड़ों वाली लकड़ियों से अपना घर बनाया था। फिर ज़ोर से बारिश होने लग जाती है, सभी पक्षी आराम से अपने घरों में बैठे हुए होते हैं। कालू कौवा अपने परिवार के साथ आराम से अपने घर में बैठा हुआ होता है। अरे देखा रानी, इस बार मैंने तुम्हें बारिश से भीगने से बचा लिया है और मैंने नीलो चिड़िया की लकड़ियाँ भी चोरी कर ली हैं। अब तक ये बात किसी भी पक्षी को पता नहीं चली है। देखो रानी, अब मैंने तुम्हारे लिए कितना बड़ा घर बनाया है और तुम्हें बारिश से भीगने से बचा लिया है। कालू कौवा ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है कि उसका घर उन कीड़ों वाली लकड़ियों की वजह से टूट जाता है। अरे कालू, ये बनाया है तुमने मजबूत घर, कितना कच्चा घर बनाया है तुमने, इतनी हल्की सी बारिश से ही ये घर टूट गया है। अरे नहीं रानी, मैंने तो इस घर को बहुत ही पक्का बनाया था, पता नहीं ये घर अब कैसे टूट गया है। अरे कालू जी, तुम क्या कह रहे थे कि इस साल तुम मुझे भीगने नहीं दोगे, लेकिन अब घर टूटने की वजह से मैं तो भीग रही हूँ। अब तुम ही रहो अपने इस टूटे फूटे घर में, मैं तो जा रही हूँ अपनी माँ के घर। फिर इतना कहकर रानी कौवी अपनी माँ के घर चली जाती है और कालू कौवा बारिश में भीगता ही रह जाता है। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें किसी की चीज़ बिल्कुल भी चोरी नहीं।